ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, अगेन आपका स्वागत है पाइथन की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। और आपने अब तक काफ़ी वीडियोस मेरे देख लिए हैं, उसमें आपने इफ एल्स पढ़ लिया है और टपल्स डिक्शनरी ये सब चीज़ें पढ़ ली है, वाइल लूप पढ़ लिया है, और अभी इससे पहले फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स भी आपने पढ़ा होगा, हाउ टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो पढ़ाई बहुत कर ली है, तो अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली जितना आपने पढ़ा है उसमें से कुछ पार्ट की एक कोड लिखते हैं, कुछ रियल लाइफ यूज़फुल कोड लिख के देखते हैं, जिसमें आपके बेसिक लॉजिक टेस्ट होंगे, आपके बेसिक जो आपने कंसेप्ट सीखे हैं वो सब टेस्ट हो जाएंगे। तो आइए एक वोटिंग मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो रियल वर्ल्ड वोटिंग मशीन मत समझिए इसको, एक बेसिक टाइप की वोटिंग मशीन है। इसमें आपको करना क्या है कि वोटर का यूज़र नेम लेना है, मतलब वोटर का नेम लेना है, जो भी वोट डालने आया है, ठीक है बंदा, उस बंदे से पूछना है कि भाई तुम्हारी एज क्या है, वोटर की एज ले लो आप उससे। फिर आपको इन द एंड उस वोटर को ये बताना है कि क्या वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं, ठीक है। तो आपका जो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए मेरे से, वो आना चाहिए कि हम एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करें, कि भाई किसको बोलें कि तुम वोट दे सकते हो और किसको बोलें कि तुम यहाँ से निकल लो, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपको एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है। मैंने भी आपको ऐसे यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही मैंने भी डाली हुई है। तो मैं बोलता हूँ कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट के लिए एलिजिबल है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन, जो बिलो 60 है वो भी एलिजिबल है। तो 18 से 60 के बीच में जितने भी लोग हैं वो सब वोट डाल सकते हैं। नाउ जो थर्ड एज ग्रुप है, इसके अलावा जो 18 से नीचे हैं और 60 से ऊपर हैं वो वोट नहीं डाल सकते, ओके। अब इसको फिर दोबारा रियल वर्ल्ड से कंपैरिजन मत करना, ये तो मैंने एक एक्सरसाइज, कोडिंग एक्सरसाइज दी है, ओके, वोटिंग मशीन बनाने के लिए। नाउ जब आप यूज़र से इस तरीके से इनपुट लोगे, नेम, उसका नाम पूछोगे, उसकी एज पूछोगे, और आउटपुट में आप ये बताओगे कि उसका पहले नाम आना चाहिए, नेम लिखा होना चाहिए, फिर कि वो इज़ एलिजिबल और नॉट, मतलब या तो वो एलिजिबल है या फिर नहीं है फॉर वोटिंग, ठीक है, ये आपको बताना है। सो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो, अपने कंप्यूटर में जाओ, एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करो, इस एग्ज़ाम्पल को, इसका कोड बनाने की कोशिश करो, और देखो आप इस पे कम से कम 5 मिनट तो एटलीस्ट स्पेंड करो, दिमाग लगाओ और बनाने की कोशिश करो, ओके। सो आइए अब चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में, कोड लिखने की कोशिश करते हैं, इस वोटिंग मशीन को बनाते हैं, ठीक है। इससे हम अपने देश के इलेक्शन करवाएंगे अब। आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने जा रहे हो, और मेरे हिसाब से मतलब आपने काफ़ी पाइथन कवर कर लिया है। तो अब हम मेनली प्रैक्टिस पे ध्यान दिया करेंगे, और थ्योरी जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे एक्सटेंसिव थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जाने बिना तो कुछ नहीं होता, खैर कहीं भी। तो लेट्स ट्राई टू बिल्ड वोटिंग मशीन। ना, वोटिंग मशीन की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हम यूज़र से उसका नाम ले लें, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वोटर नेम। वोटर नेम एक ऐसा वेरिएबल जो बताए कि भाई उसके अंदर है क्या, तो यहाँ इसमें वोटर का नेम है, तो हम इसको यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यूज़र को बोलो एंटर योर नेम, ठीक है। नाउ अब वोटर से उसकी एज पूछ लेते हैं, वोटर अंडरस्कोर एज। अब अगर आप समझदार हैं, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे तो आपको पता होगा कि जब हम एज लेंगे ना तो उसके ऊपर एक टाइप कन्वर्जन भी लगाना पड़ेगा आपको। देखिए एज जो आएगी वो आएगी आपके स्ट्रिंग में, बट आपको जब कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, कि पता लगाने के लिए कि एज 60 से ज़्यादा है, कम है, 18 से ऊपर है, कम है, ये सब चीज़ें करने के लिए वो इंटीजर में होना ज़रूरी है। जो आपको कंपैरिजन ऑपरेशन लगाना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना है कंपैरिजन का, तो
इसीलिए अब इनपुट जो भी लिया है ना आपको, उसको इंटीजर में चुपचाप कन्वर्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इस चीज़ की भी प्रैक्टिस हो गई आपकी। नाउ यहाँ पर एज ले लिया आपने, वोटर से नेम ले लिया। अब आपके पास कंडीशन क्या थी कि इफ वोटर इज अबव 18, मतलब एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ऐसे ही था ना कुछ। और बाकी जो कंडीशंस थी, इफ वोटर इज बिलो 60 एलिजिबल टू वोट, ओके। नाउ ये दो कंडीशन थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो इफ एल्स के थ्रू इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इफ, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक हो गया ना कि अगर, मैंने ये तो बताया था कि इफ एल्स में क्या होता है, कि इफ एल्स में ये होता है कि अगर ये चीज़ सच हो जाए तो ये हो जाना चाहिए, अगर ये झूठ हो जाए तो एल्स ब्लॉक में चले जाएगा। तो यही तो था इफ एल्स का मतलब, कि अगर ये हो जाए तो ये हो जाना चाहिए, ये टास्क एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। और लूप्स का वहाँ इस्तेमाल करते थे जब कोई टास्क बार बार एग्जीक्यूट करनी हो, ठीक है। तो लूप्स का जो हम एग्जांपल है वो डिफरेंट ले लेंगे। नाउ यहाँ पे हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर ये सच हो गया तो हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो अगर एज 18 से ऊपर है, क्या है, 18 से ऊपर, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, 18 से ऊपर, और एंड, एक और, अब एंड का कंडीशन का क्या था, एंड दो दो कंडीशंस को जोड़ देता है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना, तभी आपकी जो टास्क है वो एग्जीक्यूट होगी, ओके। तो एंड का क्या था कि दो स्टेटमेंट्स, दो कंडीशंस जब हमें ट्रू करवानी है, उसी के बाद ही टास्क एग्जीक्यूट कराना है, तो एंड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो एंड का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हो, तो वो दोनों चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। तो लेट से इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 60, ओके, यहां पे इसको एंड करते हैं, और ये वोटर एज था, सॉरी यहां पे वोटर एज लिखा, ओके। नाउ अब यहां पे लिखते हैं हम प्रिंट। अब प्रिंट में क्या है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, क्योंकि हमें इसमें वेरिएबल घुसाना है, नए नेम घुसाना है यूज़र का, ओके। तो इसलिए हम इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से हमेशा चालू करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग को लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम डालना है, तो करली, मतलब यहाँ पे नेम मतलब एक वेरिएबल है, वेरिएबल घुसाना है तो करली ब्रेसिस का चालू किया। तो यहाँ लिखा वोटर का नेम इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ऊपर वाली जो कंडीशन थी, अगर वो वोटर 18 से बड़ा है और 60 से छोटा है तो वो वोट कर सकता है। अदरवाइज बाकी जितनी भी कंडीशंस थी, हमें कोई लेना देना नहीं है, उसमें सीधे लिखेंगे प्रिंट, सेम इसको कॉपी कर लो, इज नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो आपकी वोटिंग मशीन तैयार हो गई। सिंपल सा लॉजिक था बिल्कुल, बट इसमें आपको आपके जो कंसेप्ट हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब वोटिंग मशीन बनानी थी, आपने सोचा ठीक है, यूज़र नेम ले लिया, फिर आपने उसकी एज ले ली, एज को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग आएगी आपके पास, ठीक है। अब आपने ये देखना था कि हाँ भाई एज 18 से ऊपर है तो वो वोट कर सकता है, ओके। आपने इफ़ कंडीशन कोई, सॉरी इफ़ एल्स ब्लॉक को यूज़ करने का डिसाइड किया क्योंकि आपके पास एक कंडीशन थी। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है तो आपको प्रिंट क्या कराना था, फलाना वोटर इज एलिजिबल टू वोट, ओके। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको क्या कराना था प्रिंट, फलाना वोटर इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आपकी कंडीशन क्या थी, 18 से बड़ा ही और 60 से कम, इन दोनों कंडीशंस को मिलाने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए, इसलिए एंड का यूज़ किया, ओके। अगर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लंबा कोड भी लिखना है ना आपको, तो वो पहले इसको रन करके रन करा के देख लेते हैं, फिर जो लंबा कोड है वो भी देख लेंगे
कि अगर लेट से आपका अपने आपके दिमाग ने वो कोड किया है तो वो भी ठीक है, तो दूसरा अप्रोच भी देखते हैं इसमें। तो रन कराते हैं इसको, पाइथन 3 test.py, एंटर यूजर नेम आशीष, ठीक है। लेट से मैं 67 ईयर्स का हूँ, आशीष इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, मैं 67 में। अब इसको समझते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले कोड आया यहाँ, इसने इनपुट लिया नेम, मैंने डाला आशीष, फिर यहाँ मैंने डाला 67 एज मैंने अपनी डाली। ओके, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। नाउ अब यहाँ पे कंडीशन कंडीशन कई इवेल्युएशन हो रही है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम वोटर एज, मैंने डाली थी 67, 67 18 से बड़ी है, हाँ है, ट्रू हो गया ये कंडीशन। ओके, ये ट्रू होने के बाद वो यहाँ आया, मैंने बोला था एंड में जब तक सारी कंडीशन जो एंड के आसपास लगी हुई हैं जब तक वो ट्रू नहीं हो जाती, वो जब तक यहाँ नहीं घुसेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो पहली कंडीशन थी ये ट्रू हो गई, ओके नो प्रॉब्लम। ये दूसरी कंडीशन में चेक किया, 67 क्या 60 से लेस होता है? नहीं, ये फॉल्स हो गई। जैसे ही ये फॉल्स हुई ना तो वो एल्स ब्लॉक में कूद गया, हमारा कोड जो कोड है लॉजिक है वो एल्स ब्लॉक में कूद गया। अब एल्स ब्लॉक में क्या था, वोटर नेम इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट, क्या है, आशीष इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेम आशीष एज 30, ओके आशीष इज एलिजिबल टू वोट। नाउ यहाँ पे देखो, 30 इज़ ग्रेटर देन 18, ट्रू, 30 इज़ लेस देन 60, ट्रू, तो वो कहाँ आया, यहाँ आया लाइन नंबर 9 के अंदर, और 11 में तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था अगर इफ एल्स ब्लॉक में से किसी भी एक ब्लॉक में कोई भी टास्क एग्जीक्यूट हो जाती है, लेट से ये कंडीशन ट्रू हुई, वो यहाँ आया, बात खत्म, आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब अप टू एल्स कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी एल्स के नीचे होगा वो वहाँ आएगा, अभी तो कुछ है ही नहीं खैर, तो इसलिए तो यहाँ पे ये बात खत्म हो गई।